डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एमसीसी की ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग है यूजी की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कल जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है बेटा, वो डिसीजन आया है मेनली नीट पीजी के लिए, लेकिन नीट पीजी और नीट यूजी दोनों एक ही बॉडी कराती है एग्जाम, साथ में रूल्स भी होते हैं एक जैसे, तो कहीं ना कहीं पीजी का इफेक्ट यूजी पर पड़ने वाला है। जो पिटीशन दायर की थी पीजी के स्टूडेंट्स ने, वो की थी दो क्राइटेरिया को लेके, जिसमें पहला क्राइटेरिया उन्होंने रखा था कि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन जो बढ़ाकर सेंट्रल ने 27% कर दिया था ओबीसी का मेनली 14 से, उसके लिए। और सेकंड पिटीशन उन्होंने लगाई थी ईडब्ल्यूएस की जो इनकम है उसको रिवाइज करने के लिए। तो ये दोनों पिटीशन नीट पीजी के स्टूडेंट्स ने लगाई थी, पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट नीट यूजी के स्टूडेंट्स पर आना लगभग तय है। तो इस पिटीशन में जो डिसीजन आया है उसमें गवर्नमेंट को लगभग 4 हफ्ते का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, मतलब कहीं ना कहीं 1 महीने का डिले हो जाएगा और अगली सुनवाई 6 जनवरी को रखी गई है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग 6 जनवरी से पहले वाली होने वाली नहीं है, लेकिन नीट यूजी पे क्या इफेक्ट आएगा इसको अपन थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में। देखिए, जो पॉलिसी रिजर्वेशन की नीट पीजी में लगाई गई है वही सेम नीट यूजी में है, तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया काउंसलिंग नीट यूजी की भी इससे इफेक्ट होगी। अब इस कंडीशन में क्या होने के चांसेस हैं कि स्टेट अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर दें, और जब स्टेट अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देंगे तो फर्स्ट राउंड को तो खत्म कर लेंगे अपनी पुरानी पॉलिसी से या जो स्टेट की पॉलिसी है उससे, लेकिन सेकंड राउंड स्टेट का तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ऑल इंडिया का सेकंड राउंड ना हो जाए, क्योंकि स्टेट के सेकंड राउंड में जो सीट है वो रिवर्ड होके आती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के सेकंड राउंड, जो स्टेट का सेकंड राउंड तब तक नहीं हो सकता जब तक ऑल इंडिया का ना हो, तो ऑल इंडिया का तो अभी फर्स्ट राउंड ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो डिले होने वाली है। और अगर ये डिले, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है 1 महीने का, अगर गवर्नमेंट इस टाइम तक में ही अपना जवाब पेश कर पाएगी तो ये मानकर आप लोग चलें कि 1 महीने काउंसलिंग डिले होने वाली है, लेकिन सेशन इतना लेट हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इतना टाइम लेना चाहिए अपना जवाब देने के लिए। गवर्नमेंट अगर जल्दी जवाब देगी तो हो सकता है सुनवाई बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्दी हो जाए और डिसीजन आ जाए। तो बेटा, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि नीट यूजी की भी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है अब डिले होने वाली है। अब वो 3 हफ्ते डिले हो जाए, 4 हफ्ते डिले हो जाए, या जैसा कि डेट दी है 6 जनवरी तक चली जाए। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अब हम लोग क्या करें। तो बेटा, जो सेफ जोन में है, जैसा कि मैं लगातार लाइव आके बताता रहा हूँ कि आपको 100% कॉलेज मिलने वाला है, तो ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो इंतजार करें। काउंसलिंग तो इनको कराना ही पड़ेगा, चाहे ये जनवरी में कराएंगे तब भी आपको कॉलेज मिलेगा, चाहे जब भी कराएंगे तब भी आपको कॉलेज मिलेगा, ये जनवरी जाए फरवरी जाए इनका मैटर है, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है और हमारे पॉलिटिशियन बिल्कुल हमारे बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते ही नहीं है। इसलिए तो यही रीजन था कि इंस्टीट्यूट सबसे बाद में कोरोना में खोले गए थे। चलिए, ये पॉलिटिक का मैटर है, मैं इसमें नहीं पढ़ना, हमको देखना है कि करना क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे सेफ जोन में हैं वो तो आराम से इंतजार करें और जो खाली टाइम है उसको इंजॉय करें, लेकिन जो बच्चे बाउंड्री पे हैं, बाउंड्री पे मतलब जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 17,000-18,000 है, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, जहां स्टेट का कट ऑफ भी हाई जाता है, ऐसे बच्चे समय को ना गवाएं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। कोरोना नहीं आएगा तो नीट अपने टाइम पर होने वाली है, तो बहुत टाइम बचा नहीं है, 6 महीने का समय बचा है, तो कहीं ना कहीं वो 6 महीने अच्छी मेहनत करके, अगर उनकी अभी 18,000 AIR है तो वो 3,000-4,000 तक ले जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अगले साल अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो बाउंड्री वाले बच्चों, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप MP स्टेट से हैं और आपकी AIR 40,000 है, तो आप बेटा काउंसलिंग का इंतज़ार मत करो,
काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि काउंसलिंग लेट स्टार्ट हो और हमको फरवरी में पता चले कि यार हमको तो कॉलेज मिला ही नहीं, अब हमें ड्रॉप लेना है, और उधर मई में जाके सामने नीट का एग्जाम रखा हो। तो बाउंड्री वाले बच्चों प्लीज अपनी स्टडी, अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करें, स्टडी को कंटिन्यू करें, जो सेफ जोन में है वो इस खाली टाइम का एंजॉय करें। गवर्नमेंट के बारे में तो मैं क्या बोलूं, उनकी इन हरकतों को देख के तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है बच्चों के फ्यूचर को लेके, एकेडमिक सेशन को लेके। भाई ये सेशन स्टार्ट होगा तो कब खत्म होगा और इसका फाइनल ईयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल ये सारा समय जो है वो कम होगा, पर गवर्नमेंट वालों को इससे कोई असर नहीं पड़ता है। उनको तो केवल अपना पॉलिटिकल जो उनके बेनिफिट हैं कि रिजर्वेशन देके हमको इस वर्ग को साधना है, ये हमारा वोट बैंक है, बस उस पर ध्यान जाता है बेटा। तो हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नीट काउंसलिंग लेट होने वाली है तो तैयारी कैसे करनी है। बाकी स्टेट के जो जो नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, जैसे गुजरात का आ गया है, पंजाब का आ गया है, पांडुचेरी आ गया है, अरुणाचल प्रदेश आ गया है, इन सब के लिए मैं लाइव आता रहूँगा। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और अपनी जो बाउंड्री वाली वो तैयारी कंटिन्यू कर रहे। थैंक यू।